प्रथम शब्द नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से श्री रामचरित्र सुनाना। ओम तपस्याध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदांग वरम नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम ऊन्नस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और श्रद्धा से लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, हे मुनि, इस समय इस संसार में गुणवान वीर्यवान धर्मज्ञ उपकार मानने वाला सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? चारित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु को हित विद्वान समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शन। हे मुनिवर, सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक विद्वान सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन सुंदर पुरुष कौन है? आत्मान को जितेंद्रिय आत्मान को जीत क्रोधो द्वितीमान को अनसूय का कश्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषश्च संयुगे। हे मुनिवर, मन पर अधिकार कर रखने वाला क्रोध को रोकने वाला क्रोध को जीतने वाला कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? एतद् इच्छं महं श्रोतुं परं कौतूहलं इमे महर्षित्वं समर्थोषि धातु ज्ञातुं एवं विधंग वर्णरम। यह एक बात है, श्री भगवान जी नर रूप से अवतीर्ण हुआ है लेकिन अप्राकृत मनुष्य रूप, प्राकृत नर हमारा मापसिक प्राकृत नर नहीं है ये मानना चाहिए। कृष्ण रूप भगवान रामचंद्र रूप ये अप्राकृत नर रूप। हमारा कविराज गोस्वामी ने बताया, कृष्ण र जतक खेला सर्वोत्तम नर लीला नरबकू तहार स्वरूप गोपवेश व्यनुकर नवकिशोर नटवर नरलीलार हय अनुरूप। जिनी कृष्ण जी जो भगवान नररूप से आ गया कि ये लीला नित्य लीला है, नित्य ब्रज में कृष्ण के नित्य नरलीला है, वही नरलीला यहाँ प्रकट हुई कि अप्राकृत नर। इसे रामचंद्र जी इस नर रूप में प्रकट हुआ है लेकिन ये अप्राकृत नर रूपधारी भगवान। तो नारद जी से पूछा, जे हे मुनिवर, कहा गया आत्मान को जितक्रोध द्वितीमान को अनसूय का कश्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषश्च संयुगे। मन पर अधिकार रखने वाला क्रोध को जीतने वाला कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? एतद् इच्छं महं श्रोतुं परं कौतूहलं मे महर्षित्वं समर्थोषि ज्ञातुं एवं विधं नरं। हे महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इनके लिए
मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ भी है। श्रुत्वा त्वयितं श्रुत्वा त्वयित त्रिलोकज्ञ वाल्मीकि नारदो वच श्रूयताम इति तामंत्र्य प्रधिष्ठ वाक्यमब्रवीत। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोगों का ज्ञान रखने वाला नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए, और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले। नारद जी बोलते बहवो दुर्लभवाद बहवो दुर्लभाश्चैव ये तया कीर्तिता गुणा मुनि वक्षम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्त श्रूयतां नर। हे मुनि, अपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। भगवान तो अनंत कल्याण गुण वारधी, उनका गुण का अंत नहीं है। तो हम लोग सब समझता है कि हमारा माँ भी थोड़ा थोड़ा अच्छा है। भगवान अनंत गुण समुद्र, अनंत कल्याण गुण समुद्र है भगवान। तो नारद जी वाल्मीकि मुनि की मुनि से बोलते हैं, इक्षाकु वंश इक्षाकु वंश प्रभव राम नाम जनहि श्रुत नियतात्मा महावीर्य दुतिमान धृतिमान वशी। इक्षाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं, ये ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान कांतिमान धैर्यमान और जितेंद्रिय है, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवारहन विपुलांश महाबाहु कंबु ग्रीवो महाहनु। वे बुद्धिमान नीतिज्ञ वक्ता शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं, उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, ग्रीवा शंख के समान और टोही मांसल हैं, पुष्ट हैं। महुरस्क महेश्वास गूढ़ जत्रुरिंदम आजानुबाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रम। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है, गले के नीचे की हड्डी हंसुली बोलता है, जो मारुति मांस से छिपी हुए हैं, ये शत्रुओं का दमन करने वाला है। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं और मस्तक सुंदर हैं, ललाट भव्य और चाल मनोहर हैं, समविभक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान पीन वक्ष विशालाक्ष लक्ष्मीवान शुभ लक्षण लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा ना होकर मध्यम और सुडोल है। देह का रंग चिकना है, ये बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, ये शुभायमान और
और शुभ लक्षणों से संपन्न है। धर्मज्ञा सत्य संघश्च प्रजानां च हिते रतः जशस्ती ज्ञान संपन्न शुचिर्वश्य समाधिमान। धर्म के ज्ञाता सत्य प्रतिज्ञा।